हमजा हमजा, ज़्यादा आगे मत जाना, पानी गिर रहा है। आ जाओ इधर, आ जाओ। ओ हमजा, हमजा बेटी, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक, चल मचाते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों अभी जोहर की नमाज हुई है मेरी, और भीषण वाली भूख लग रही है। बीवी बना रही है लेडी फिंगर, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, बारिश के मज़े लेते हैं। बारिश हो रही है, हमजा भी बारिश को देख रहे हैं और अपने वॉकर में बैठ के चुल मचा रहे हैं ये भी। तो जल्दी से खाना खाएंगे क्योंकि रहा नहीं जा रहा है, बस थोड़ी देर की बात है। फिर क्या बनाया दानियल आपने? फिश बनाई है। वाह यार, ग्रीन फिश, सी फिश। हमजा जानी तो आज सारी बारिश देख लेंगे शायद। हमजा इतना मजा आ गया क्या? हमजा कब से देख रहे हैं बारिश को? अरे गिर जाओगे हमजा, पलटाओ इधर, इसका मुंह घुमाओ इधर। क्या हमजा, क्या हुआ? ओ हमजा जानी, कहाँ आ रहे हो? क्या देख रहे थे आप? जो देखो वही तरफ, क्या देख रहे थे आप? अच्छी लग रही है आपको बारिश? देख लेना तो, देख लेना तो, जाओ देख लो बब्बा। तो दोस्तों हमजा जानी कब से मुझे देख रहे हैं, और ये अभी दादी के पास से आए हैं, तो अभी थोड़े से सुस्त हैं। बाकी ये कब से मुझे देख रहे हैं, मतलब ये 10 मिनट से तो मुझे लगातार देख रहे हैं। क्यों हमजा जानी, क्या बात है? क्या बात है भैया जी? अरे भाई साहब, क्या हो रहा है? दादी के पास हो के आ गए तुम? फुप्पो नहीं आई तुम्हारी? बहुत दिनों से फुप्पो नहीं आई है। फुप्पो को बुला तो लो कि फुप्पो आ जाओ। बुलाओ पप्पो को अपनी, आपकी अप्पी तो रो रही थी पप्पो के लिए। उस दिन पप्पा साहब आए थे तो कितनी रोई थी कि मेरी पप्पो नहीं आई, मेरी पप्पो से बात कर रहा हूँ। हैं, आपकी अप्पी कितना प्यार करती है आपकी पप्पो से। आप भी करते हो ना आपकी पप्पो से प्यार? जल्दी से बुला लो पप्पो को, नब्बू भाई, जेद भाई को, पप्पा साहब को एक मैसेज तो दे दो कि जल्दी से आ जाओ, है ना? The next morning. तो दोस्तों फजर की नमाज का टाइम हो चुका है, और मेरी नींद क्या है कि थोड़ी सी एंड टाइम पे खुल गई है, और जल्दी से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। अभी 5:25 हो रहे हैं, तो हम चल रहे हैं मस्जिद, नमाज़ पढ़ के आते हैं जल्दी से। बिल्कुल टाइम हो चुका है, जमात होने वाली है, खड़ी होने वाली है, तो फटाफट चलते हैं नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो आप देख सकते हैं आज हमजा ने जो है दानियल की ड्रेस पहन रखी है, ये दानियल की ड्रेस है, और दानियल जब छोटी थी तब ये ड्रेस लेके आए थे, और बीवी ने अभी कुछ दिन पहले क्या, कल ही इसको जो कपड़े रखे हुए थे बेड में, तो बेड के अंदर रखे हुए थे तो वो निकाले हैं, और ये हमें मिल गई है ना, ये ड्रेस मिल गई है। और इतना क्यूट लग रहा है हमारा बब्बा, हमजा इतना क्यूट लग रहा है। क्या हमजा, कैसे लग रहा है? अच्छी लग रही ड्रेस अप्पी की? क्या चीज, दानियल की भी 6 मंथ को पहनाई थी, उसका भी 6 मंथ। हाँ, 6 मंथ की ड्रेस है ये, है ना? जब उसका बर्थडे करा था ना, छोटा सा केक कटा था, तो काफी क्यूट लग रहे हैं हमारे हमजा, है ना? तो दोस्तों कल रात से बारिश हो रही है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और वेदर इतना शानदार, इतना कूल हो गया है कि बिल्कुल मज़ा आ गया है, और इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, एकदम बिल्कुल चिल्ड हो गया।
वरना अभी कुछ दिन पहले तो इतनी भीषण वाली गर्मी थी कि रहा नहीं जा रहा था। और बारिश कल रात से इतनी ख़तरनाक हो रही है, मतलब बंद नहीं हुई है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो अच्छा है बारिश हो रही है तो सारी ज़मीन को क्या है कि पानी मिल जाएगा, सफिशेंट हो जाएगा और साल भर हमें दिक्कत नहीं आएगी, गर्मियों में भी पानी की कमी नहीं होगी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो रही है। अभी हम जा रहे हैं रेशमा चची के घर, मतलब अम्मा के घर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए बुलाया है उन्होंने, दाल बाटी बनाई है। तो हम चल रहे हैं चची के घर पे और खाना वहीं खाएंगे, तो चलते हैं। और बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही है मुझे, तो खाना खाएंगे, बारिश में भीगते हुए जाना पड़ेगा, पानी आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं। पीछे ही है वैसे, ज़्यादा दूर भी नहीं है, दूसरी गली में तो घर है अम्मा का, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। चलते हैं वहाँ पर और खाना खाएंगे। तो दोस्तों, दानियल के स्कूल का टाइम हो चुका है और दानियल को ड्रॉप करने जाएंगे हम। अभी तो दानियल तैयार हो रही हैं और अभी ड्रेस पहन रही हैं वो, तो हम स्कूल छोड़ने चलेंगे, ड्रॉप करने चलेंगे। आज जिलानी नहीं जा रहा है तो दानियल को ही ड्रॉप करके आऊँगा मैं। तो चलो चलते हैं। चले दानियल, तैयार हो गई आप? तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, दानियल बेटी तैयार हो चुकी हैं, जल्दी से स्कूल के लिए ड्रॉप करते हैं क्योंकि आधा घंटा लेट हो गए हैं। दानियल ब्रेकफास्ट कर रही थी, इस चक्कर में क्या थोड़ा सा लेट हो गया है। और बारिश भी अभी बंद हो गई है, हल्की हल्की फुहार आ रही है, ज़्यादा तेज बारिश नहीं है। और जल्दी से ड्रॉप करते हैं, भूख इतनी ख़तरनाक लग रही थी कि पोहे खाना पड़े। तो दोस्तों, हमारे ये अंडा पराठा आ चुका है, पराठा तो नहीं है, रोटी है। बाकी इसमें एक कांड कर दिया है बीवी ने, इसमें बीवी ने नमक नहीं डाला है और ना ही कोई मसाले डाले हैं। मसाले का डब्बा खोल दिया इसमें, लाल बरकतुल्ला, बिल्कुल फीका है, कर दिया नाश। तो हमारे ब्रेकफास्ट की बैंड बज चुकी है, मॉर्निंग से ही बैंड बज गई थी क्योंकि पठान साहब ने आज बिरयानी भी नहीं बनाई और फिर घर आके हमें ये मिला। खैर कोई नहीं, इस पे ऊपर से नमक डालेंगे और फिर निपटा देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही। क्यों हमजा, आपने तो दूध पी लिया ना दूध, हम तो लटक गए बीच में। क्यों हमजा, क्या करें आप? नमक ले आओ, नमक। तो नमक डालते हैं, कांड तो हो चुका है और भूख बहुत भीषण वाली लग रही है, खा के देखते हैं ऐसे ही। बना तो अच्छा हमजा, बाकी फीका है। बहुत अच्छा बना। तो दोस्तों, हमारी चाय भी आ चुकी है गर्मा गर्म और ब्रेकफास्ट तो हो चुका है मेरा। और जो अंडा था माशाल्लाह, नमक नहीं था, बाकी ऊपर से मैंने नमक डाला, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब था, सुकून मिल गया। और थोड़ी सी चाय पीते हैं। तो दोस्तों, जिम का टाइम हो चुका है, जिम जाना है मुझे और चाय पी रहा हूँ मैं। चाय पीने के बाद जिम चलेंगे इंशाल्लाह, और आज बैक का वर्कआउट करना है, एनर्जी लो फील हो रही है। खैर, एनर्जी के लिए हमारे पास प्री वर्कआउट है, हमारे परफेक्ट प्रोटीन का जो प्री वर्कआउट है, बहुत तगड़ा प्री वर्कआउट है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो अभी हमें वो एनर्जी देगा क्योंकि आज बैक का डे है और मेरा दिल है ना ऐसा कर रहा, जाऊँ कि ना जाऊँ। देखते हैं, हिम्मत करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं और फिर चलेंगे जिम के लिए। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड, मिलते हैं एक नए बेहतरीन से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए शब्बा खैर।